अब रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश भाजपा के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोवेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, तो वहीं पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को राज्यवार जिम्मा सौंपा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ओडिशा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, तो वहीं जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर और बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी तेलंगाना जाएंगे। इनके अलावा दूसरे नेताओं को चुनाव प्रचार के अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। तो सीएम भजनलाल और सीपी जोशी के साथ साथ अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य राज्यों में अब चुनाव प्रचार करने के लिए ये सभी नेता जाएंगे। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और अब दूसरे राज्यों की कमान सभी नेताओं को दी गई है। लगभग 150 नेता हैं जिन्हें अब दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है और जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव प्रचार करने की। तेलंगाना से लेकर तमाम बड़े ऐसे राज्य जहाँ पर स्टार प्रचारक बना करके इन सभी नेताओं को भेजा जा रहा है। चुनाव प्रचार की कमान दूसरे राज्यों में ये सभी नेता संभालेंगे। सुबह के राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवार को एक दिन के दौरे पर बीकानेर आएंगे। कलराज मिश्र बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कलराज मिश्र के दौरे की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने इसके बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और अन्य अधिकारियों के साथ राज्यपाल के प्रस्तावित रूट और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओम प्रकाश छिपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक सवाई माधोपुर के जनसभा को संबोधित करने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मुलाकात की और हालचाल पूछा। इस दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओम प्रकाश छिपा की खुश नजर आए और उनका कहना है कि मोदी जी के रूप में मुझे भगवान मिल गया। वहीं निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं में भी कर्मचारी ओम प्रकाश से मुलाकात करने के बाद जोश दिख रहा है। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के चुनाव प्रचार से ठीक पहले एक ऐसी फोटो देखने को मिली जिससे भाजपा कार्यकर्ता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा के इतिहास में किसी ऐसे कर्मचारी को मोदी का स्वागत करने भेजा गया जो तमाम बड़े नेताओं की नजरों से छुपे रहते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नाथराव गांव में भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौर और सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी आपस में उलझ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस संबंध में शेरगढ़ थाने के रोजना मचे में विधायक के खिलाफ धारा 189 के तहत FIR दर्ज की गई है। वृत्ताधिकारी बालेसर कैलाश कंवर को जांच सौंपी गई है। इस संबंध में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे खुद के गांव में मतदान बूथ के मुख्य गेट पर एक जवान सुबह 7 बजे से महिलाओं से परिचय पत्र के बारे में पूछ रहा था। वो घूंघट उठाकर आई कार्ड से मिलान कर रहा था। इससे कई महिलाएं मतदान से वंचित रह गई। 4 घंटे में 10% मतदान हो पाया था। महिलाओं से बदसलूकी का कारण पूछा, अंदर जाने लगा तो मुझे रोक दिया गया। सुरक्षाकर्मी ने मुझ पर बंदूक तान दी और गोली मारने की धमकी दी। सुरक्षाकर्मी के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शिकायत करने पर उसे बदला गया। कल मतदान हो रहा था और मेरे गांव नाथराव में बूथ संख्या 10 जो मेरा स्वयं का बूथ है जी। और सवेरे 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो एक जवान मुख्य द्वार पर हमारी महिलाओं से आईडी कार्ड पूछ रहा था। आईडी कार्ड का मिलान उनके घूंघट ऊपर करके कर रहा था। इस प्रकार की बदसलूकी मेरे साथ नहीं कर सकते, तो जितने में पुलिस के अधिकारी भी आ गए और मेरे को कहा भी आप MLA साहब आप वोट दीजिए। तो मैं अंदर गया वोट देने के लिए और वोट दे के और मैंने उस अधिकारी को शिकायत करी कि ये जवान जो है मतदाताओं के साथ महिला मतदाताओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी कर रहे हैं, इनके शराब की बदबू आ रही।
तो अधिकारी आए, जांच करी और जांच में उस जवान को दोषी माना और दोषी होने के बाद में वहां से उसको हटाया। बस इतना सा इशू है, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं। प्रदेश में गर्मी की तपेश बढ़ गई है। कड़ी धूप और गर्मी से इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों में भी हाल बेहाल है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वन्य जीवों की डाइट और दिनचर्या में भी बदलाव किया गया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेंजर जगदीशोर शर्मा ने कहा कि जानवरों को लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हम उनके लिए ग्रीन नेट और स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। हम वाटर कूलर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उनके आहार का विशेष ध्यान रख रहे हैं। गर्मियों में नागर बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को हीट वेव से बचाने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें हम जानवरों के ग्रीन नेट लगा रहे हैं, छांव के लिए पानी पोले की छांव करवाई जा रही है और टाइगर इनके में जो है रेन स्प्रे कराया जा रहा है, स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं, रेन गन वो चलाई जाती है। उसके अलावा जो वाटर कूलर का भी इंतजाम हम कर रहे हैं, इसके जो केज होते हैं उसके अंदर वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं और विशेष तरह पे खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें भालू को हम जो है विशेष बने फ्रूट्स की आइसक्रीम दे रहे हैं, उसके अलावा ताजा फल दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं और सत्तू दे रहे हैं, इसके ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे और गर्मी में जो है ये अपने आप को बढ़िया ढंग से सर्वाइव कर सके और इनकी इम्यूनिटी लेवल बना रहे हैं। हाँ, सीजनेबल फल डाल रहे हैं, तरबूज डाल रहे हैं, ककड़ी डाल रहे हैं, ये जो इनको हिरणों को भी डाल रहे हैं ये चीजें, और टाइगर के लिए जो है विशेष रूप से इनका जो है टेम्परेचर मेंटेन करने का ही जो है किया जा रहा है। कोचिंग नगरी कोटा के अनंतपुरा इलाके में रहकर नीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा लापता है। हालांकि परिजनों ने 3 दिन पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यूपी के कुशीनगर के रहने वाली छात्रा लंबे समय से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। बड़ी संख्या में परिजनों ने कोटा में डेरा डाल रखा है। हालांकि पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और परिजनों समेत छात्रा के साथियों से भी जानकारी जुटाई, लेकिन फिलहाल छात्रा के बारे में कोई भी सुरागात नहीं लग पाया। कोचिंग नगरी में पहले ही कोचिंग स्टूडेंट्स लापता होने के कई मामले सामने आ चुकी है। जैसलमेर में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अवैध खनन के सौदागर खनन कर अपने जेब भरकर सरकार को हर रोज लाखों का चूना लगा रहे हैं। लोग इसकी शिकायत कई बार प्रशासन के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे जिले प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन का धंधा चमक रहा है तो इसे लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। जो भी तरीका है ये पूरा लाइन लाइट से आते हैं, सब किए जाते हैं। सर मेरे मूल सागर में प्लॉट है, वहां पर मैं रहता हूँ। मेरा फार्म हाउस ये विलेज में है, लेकिन वहां पर हमारे गांव के 5-6 बंदे हैं और मूल सागर भी 5-6 बंदे हैं। उन्होंने अवैध खनन करके मेरे जो पुश्तैनी नीचे नाड़ी बनी हुई थी ना, उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग इन सब जिला प्रशासन वगैरह सबको भेज दी है और जिला कलेक्टर के पास भी मैं 2-3 बार एप्लीकेशन देख रहा हूँ और खनन विभाग को भी 2-3 बार एप्लीकेशन देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होती। ये रात को आते 7-8 बजे के बाद, उस समय प्रशासन कोई आता नहीं है, सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे चले जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप हमारे साथ अभी चल जाओ, वहाँ पर अभी भी अवैध खनन चल रहा है। मारवाड़ जंक्शन के चिरपटिया गांव में बाइक पर अवैध अफीम का दूध लेकर जा रहे एक आरोपी को मारवाड़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस ने 600 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इस कारोबारी के तार और किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा पुलिस ने लूटपाट डकैती करने वाले पारदी गैंग की 3 कुख्यात इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पारदी गैंग के इन बदमाशों ने साल 2018 में पीलीबंगा और साल 2016 में रावतसर थाना क्षेत्र के घर में घुसकर दंपतियों और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषणों सहित लाखों रुपये की लूटपाट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार पारदी गैंग मूल रूप से मध्य प्रदेश, गुना सहित कुछ राज्यों में रहने वाले परिवार हैं जो चोरी डकैती की वारदात करते हैं। इस गैंग की महिलाएं कम उम्र के लड़के लड़कियां गली मोहल्लों में गुब्बार बेचने जाते हैं और रेकी करते हैं और मौका मिलते ही चोरी डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं।
बिहार के कैमूर में खेतों में पराली में जलाए जाने की खबर सामने आ रही है। जिला प्रशासन लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि खेत में आग ना लगाएं। वहीं ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले किसानों को चिन्हित कर कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी किसान खेतों में बचे गेहूं के डंठल में आग लगा दे रही है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। खेतों में पराली जलाए जाने की सूचना पर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने भभुआ प्रखंड के रतवार, महुआत, जागीबराव, म्यू सहित दर्जनों गांव का जायजा लिया। इस प्रकार खेत में लगातार ये पराली जल रही है, गेहूं का डंठा, जिससे आए दिन आग लग जा रहा है, कहीं कहीं आग लगी घटना हो जा रही है, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है और ये जानमाल के लिए भी नुकसान है और इसके चलते आग के चपेट में कई गांव आ जा रहे हैं। तो ये इसको किसानों के लिए आने वाले समय में उनका फसल भी बंजर हो जाएगा, ज़मीन बंजर होगा, फसल की भी कमी आएगी और ज़मीन का जो मिट्टी का गुणवत्ता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और किसानों से मैं आग्रह करता हूँ कि इस तरह का कुछ दूसरा विकल्प सोचें। खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां कानौता पुलिस थाने के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर और सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान है। प्रथम दृष्टया हत्या कर शव डालने की बात सामने आ रही है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक के हाथ पर ब्रजमोहन लिखा हुआ है और वो कचरा बीनने का काम करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। दौसा की ACL ग्रीन कॉलोनी में ACL प्रशासन के खिलाफ यहां लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में फ्लैट देते वक्त सुविधाओं को लेकर उनसे बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सभी वादे खोखले हैं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।